हेलो गाइस, मैं सीए कविता धिंगड़ा। और अभी जो हमारे पास सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 164/19 ऑफ 2021, उसके अंदर क्लैरिफिकेशन दी गई है रिगार्डिंग आइसक्रीम पार्लर्स जो आइसक्रीम से रिलेटेड काम करते हैं, आइसक्रीम सोल्ड आउट करते हैं, डायरेक्टली सोल्ड आउट जो करते हैं। एक्चुअली जीएसटी जो काउंसिल है, जीएसटी डिपार्टमेंट जो है, उससे क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी कई आइसक्रीम पार्लर्स के थ्रू कि क्लैरिफाई करके दिया जाए कि आइसक्रीम के ऊपर कितना जीएसटी उनको पे करना है। कई लोग गाइस जो जीएसटी पे कर रहे थे आइसक्रीम्स के ऊपर, वो एक रेस्टोरेंट के बेस पे कर रहे थे, यानी जो रेस्टोरेंट के ऊपर एप्लीकेबल जीएसटी रेट है उसी रेट से ही आइसक्रीम के ऊपर भी जीएसटी पे किया जा रहा था। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास सर्कुलर 164 आया है ऑन 6th of October 2021, उसके अंदर ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी गई है कि आइसक्रीम के ऊपर जो जीएसटी रेट है वो रेस्टोरेंट वाला अप्लाई नहीं होगा। रीज़न देखिए गाइज, अगर आप मेरी पिछली वीडियो को रेफ़र करेंगे जिसमें मैंने रेस्टोरेंट से रिलेटेड डेफिनेशन भी बताई है, उसके अंदर मैंने क्लियरली बताया है कि अगर कुकिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो वो आपके पास रेस्टोरेंट का पार्ट माना जाएगा। गुड्स चाहे आप वहाँ पे कंज्यूम कीजिए या प्रिमाइसिस के बाहर जाके कंज्यूम कीजिए, लेकिन कुछ एक तरीके की कुकिंग एक्टिविटीज़ का इन्वॉल्व होना उसमें ज़रूरी है। बट अगर आइसक्रीम पार्लर्स की बात करें या मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स, नॉट ऑल रेस्टोरेंट्स, मैंने सभी रेस्टोरेंट्स की बात नहीं की, देयर मे बी सम रेस्टोरेंट्स हु कुक द आइसक्रीम इन देयर प्रिमाइसिस, वो अपने प्रिमाइसिस के अंदर भी हो सकता है आइसक्रीम को कुक करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है जी। कई लोग कस्टमाइज्ड जो हैं ऑर्डर लेते हैं अपने क्लाइंट्स का, तो मे बी वो कस्टमाइज्ड ऑर्डर के तौर पे आइसक्रीम उन्हें बना करके देते हो। तो हम बात किन रेस्टोरेंट्स की या किन आइसक्रीम पार्लर्स की कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली आइसक्रीम बाहर से परचेज करते हैं और वो आइसक्रीम बाहर दूसरे अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको सोल्ड आउट कर देते हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पे उन्हीं की बात करेंगे। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे क्या है गाइस, वो जो आइसक्रीम पार्लर्स हैं या वो रेस्टोरेंट्स जो आइसक्रीम की कुकिंग नहीं करते, वो लोग बाहर से प्रोडक्ट्स उठाते हैं और एज इट इज़ उस प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, वो जो उन्होंने प्रोडक्ट बाहर से उठाया और एज इट इज़ आगे बेचा, वो गुड्स है। हाँ, सम काइंड ऑफ सर्विसेज उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है जीएसटी डिपार्टमेंट ने कि सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सर्विसेज उसके अंदर हैं, लेकिन हम इसे कम्प्लीटली सर्विस का पार्ट नहीं मानेंगे, हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, गुड्स ट्रीट करेंगे। तो एज अ गुड्स आपने क्या किया, आइसक्रीम को आगे सोल्ड आउट कर दिया, इसके अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज़ नहीं थी। तो इसके अंदर क्या है, जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम आपने दी, इसमें कोई भी कुकिंग एक्टिविटीज़ नहीं मानी जाएंगी, दिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानेंगे। और एप्लीकेबल रेट इसके ऊपर कितना आ जाएगा, 18%। यानी कि अब आप रेस्टोरेंट का जो नॉर्मल रेट लग रहा था ना 5%, उस रेट से आइसक्रीम के ऊपर तो एटलीस्ट जीएसटी पे नहीं कर सकते। अगर आपके रेस्टोरों में आइसक्रीम सोल्ड की जा रही है तो उसका रेट आपके पास 18% ही रहेगा। क्लियर गाइज? और हाँ, एक चीज़ इसमें और आप इंक्लूड कर सकते हैं, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी बीच में कोई सर्विसेज हैं, यानी आप कस्टमाइज्ड आइसक्रीम फूड्स अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, तो उसके अंदर आपके पास ये रेट एप्लीकेबल ना होके रेस्टोरेंट वाला रेट आ जाएगा। ठीक है जी, अगर आपको ये मेरी वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और